तो आइए हम सब अपनी सुरता को इन जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में साक्षात विराजे हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं। मूल मिलावा के उन अलौकिक बैठक में जहाँ हजार पंखुड़ी के फूल पर मेरे पिया का सिंहासन, नूरी कंचन का अति सुंदर सिंहासन और उन पर युगल पिया विराजे हैं। बड़ी ही प्यारी छब से मेरे युगल पिया मेरे श्रीराज श्यामल जी, श्रीराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांघ के मूल में है। और श्यामा जी अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजे हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी उनकी अलौकिक अद्भुत अनुपम छवि रू उनके चरणों में फिर फिर सिजदा कर रही है, उनके चरणों को चूम रही है। चरणों की अति सुंदर शोभा, नखों का तेज, कदम तली का तेज, सलू की नाजुकी रू निरख रही है। युगल पिया अति सुंदर मेरे श्री राज श्यामा जी, और मेरे पिया ने अति सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाहिया नित सुख, वाहिदत हमेशा ए सुख, हक सीचल सन्मुख, हक सीचल सन्मुख। तो मेरे पिया के नूरी वस्त्र, उन्हीं के अंग की शोभा सबसे पहले नजर जाती है। पिया जी की अति सुंदर इजार की ओर, कैसे है मेरी पिया की इजार, इजार रंग जो केसरी, छाई जामे मेले, दामन जड़ाव अति जगमगे, रंग सोभी केसरी परसी, रंग सोभी केसरी परसी। हमारे शिवराज जी के चरणों में केसिया रंग की अति सुंदर इजार है और उनका नूरी प्रतिबिंब उनके श्वेत जामे में से झलकता हुआ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और इन इजार के ऊपरी हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा दावन आया हुआ है, नखों से जड़ित बहुत अधिक सुंदर शोभायमान हो रहा है। मेरे पिया की केसरी रंग की अति सुंदर इजार जामे में से झलकती हुई रूह को प्रिय लग रही है। अक्षरातीत शिवराज जी के अंग को शोभित करने वाली उनकी अंग स्वरूपा इजार उनके दिल की चाहना अनुरूप ही कोमल है, मन चाही सुगंधी धारण करती है। जिस क्षण जैसी शोभा रू चाहती है वैसी ही शोभा से सज सबको सब सुख देती है। और इजार के नूरी रंग जामे में से झलकते हुए आसमान जीनी में रोशन हो रहे हैं। पिया की अनुपम इजार रूह के मन को मोह रही है। इजार में कई रंगों नगों से सजी बेले हैं, पत्तियां हैं, नूरी फूल है,
इतनी महीन कढ़ाई कि छूने से एहसास ही नहीं होता कि रंग कई तरह के नग इनमें जड़े हैं। और इजार की मोहनी में, इजार की मोहरी में महीन महीन चुनते आए हैं, और इजार की मोहरी तो इतनी सोनी लग रही है कि आभूषणों से भी सरस है। बेमिसाल शोभा इन मोहरी में और इजार बंद नरम अति नरम कई नगों का अद्भुत चढ़ाव। इजार बंद में कई बेलियां हैं, कई प्रकार की फूल पत्तियों की सुंदर महीन चित्रकारी है। और नाड़ी बांधने का स्थान लाल रंग का अति कोमल रेशम का और उन पर मोती की कांगरी। मेरे पिया की इजार बेहद ही कोमल नरम है, उनमें आए नग भी नरम पशम की तरह है। सुंदर अति सुंदर मेरे पिया की इजार, रू की चाना अनरू कभी हरित रंग की इजार सुहाती है तो कभी नीली रेशम की, और मूल बागे में तो केसिया इजार रू को अति प्रिय लग रही है। और मेरे पिया का श्वेत जामा अंग लग रहा, मिही चूड़ी बनी दो बाहें, दावन क्यों वर्णन करो इन अंग की जुबाएं, इन अंग की जुबाएं। प्राण प्रीतम श्री राजी महाराज ने श्वेत रंग का जामा धारण किया है, और जामे की दोनों बाहों में महीन चुनते बनी है, और दामन की तो अति सुंदर शोभा। मेरे पिया का श्वेत जामा और इनमें छिल मिलाती पिया की केसिया रंग की इजार की अति प्रिय शोभा। शिवराजी के गोरे गोरे रंग पर श्वेत उज्जल जामा ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जामा उनके अंग से जुड़ा है। अति सुंदर अनुपम जुगती जामे की बाहें चोली दावन सभी शोभा से भरपूर, और जामा नूरी जवाहरातों से जड़ित है, जगमग जगमग कर रहा है। और जामे पर आने वाले आभूषणों की जोत, जामे की जोत आपस में टकराती हुई अति सुंदर लग रही है। शिवराजी की जामा उनकी ही अंग का नोर आशिकों को कई विध से सुख देता हुआ, धाम धनी की केसिया रंग की नूरी इजार और उस पर काड़े अंग तक आया उज्जवल श्वेत नूरी जामे का दावन, जामे का घेरा। अजब शोभा जामे की दावन पर महीन महीन बेलिया इजार की छलकार। रू अपलक पिया जी के नूरी जामे की शोभा को निरख रही है। श्वेत अति श्वेत जामे में कई जवेर नगों की जुगती है, गोर अंग पर जुड़ा जामा
और जामे के दोनों बगलों में केवड़े के फूल की नक्काशी, और गले की चारों तरफ और जामे की तनियों पर बेलियों की अनुपम शोभा, और दोनों कंधों के पीछे पान की पत्तियों समान सुंदर कढ़ाई, कंधों पर भी कटावदार कशीदे कारी। और बाहों की महीन महीन चुनते कथनी से परे मेरे पिया का जामा, वक्ष स्थल से चिपकी चोली, कंधे और दोनों बगलों में बनी बेलियां, कंठ पर स्वर्णिम कशीदा कारी, और पीठ के पीछे हाथ में नक्काशी की सुंदर शोभा, और काढ़े अंग तक आया घेरा उनका दामन, रूह को पल पल अपनी मेरू की छांव तले रखता, दावन में से इजार की झलकार, ऐसी प्यारी शोभा कि रूह की नजर ही नहीं हट रही। और मेरे पिया जी के कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग को पटका, नीले पीले के बीच में जाई लेत रंग दोए, सो पटका कमर बन्या रंग कया सुंदर बाई सोए, रंग कया सुंदर बाई सोए। नीले और पीले रंग को, बीज के रंग को कमर में अति सुंदर पटका, कभी नीले रंग की छाई तो कभी पीले रंग की पटके की अनुपम शोभा, मेरे धाम धनी जी के पटके की अनुपम शोभा। श्री राज्य के उज्जवल श्वेत जामे का जो भाग उनकी कमर के ऊपर है, वहां पर पटका बंधा है, और पटके के दोनों पल्लों के किनारों पर कई रंगों नगों की बेलियां, फूलों की सुंदर चित्रामन है। पटके की सलूकी में कई गुण है, मूल बागे में नीलों न पीलों पटके के दर्शन शिराजी कराते हैं, तो कभी कंचन रंग के पटका क्या शोभा मेरे पिया जी के पटके की। आभूषणों से भी अति सरस अनेक विध की बेलों फूलों की चित्रकारी, पल्लों की किनार पर हरी सफेद नीलवी पुखराज नग की बेलियां, पल्लों पर आई नक्काशी सुंदर अनुपम शोभा मेरे पिया जी के पटके की। शिवराजी ने जामे के ऊपर आसमानी रंग की सुंदर पिछोरी धारण की है। बड़ी मनमोहक अदा से शिवराजी कंधों के ऊपर से चादर लेते हुए, चादर या पिछोरी के किनारों पर लाल नीले पीले अनंत रंगों की किरणें झलक रही हैं, और पिया जी के अंग का ही नूर ये पिछोरी इतनी महीन है कि जामे के कटाव जड़ाव
पिया जी के कंठ स्थल पर विराजे नूरी हार सब नजरों में आते हुए। पिया जी जब बिछोरी धारण करते हैं तो कंधों के ऊपर से होती हुई ये बिछोरी हारों के ऊपर से आती है। पिछोरी में से प्रतिबिंबित होते हार अद्भुत ज्योत बिखेरते हैं। अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिही चादर ए बोखन बेल कटाव जामे सब आवत माहे नजर सब आवत माहे नजर। पिया जी के नूरी वस्त्राभूषण रूफेर फेर पिया जी के इजार जामे पटके और पिछोरी के दर्शन करते हुए मेरे श्री राज श्यामा जी यही अर्जी धनी से पिया से अपने चरणों में ले लीजिए।